मुंबई बम विस्फोटों के प्रमुख आरोपियों में शुमार आबू सलीम 90 के दशक में दहशत का नाम था। अंडरवर्ल्ड के इस डॉन ने हफ्ता वसूली के जरिए व्यवसायों की नींद उड़ा रखी थी। बाद में दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आने के बाद उसने आतंकवाद की दुनिया में कदम रख दिया। अबू सलेम को वर्ष 2005 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से प्रत्यर्पण कर लाया गया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने वर्षों तक पीछा करने के बाद उसे भारतीय कानून के दायरे में लाने में सफलता प्राप्त की। अब उसे मुंबई बम विस्फोट मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सलेम अपनी लाइफ स्टाइल के लिए चर्चित रहा। अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ उसके रिश्ते भी खासे चर्चा में रहे। अबू सलेम पर एस हुसैन जैदी ने एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है अबू सलेम बोल रहा हूँ। सलेम ने अपराध जगत में प्रवेश करने के बाद मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन को अपना पहला शिकार बनाया। प्रदीप के भाई को सलेम ने कॉल डोंगरी में एक जमीन छोड़ने को कहा था। ऐसा न करने पर उसके गुर्गे सलीम हड्डी ने प्रदीप जैन को उनके कार्यालय में घुसकर गोली मार दी थी। प्रदीप की हत्या के बाद शोक सभा वाले दिन सलेम ने मृतक की पत्नी को फोन कर सवाल किया कि क्या तुम्हें विधवा होने का सुख मिल रहा है। वहीं उसने प्रदीप के भाइयों से पैसे की डिमांड फिर कर डाली। इस तरह टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या भी उसने अपने शूटर राजा से करवाई थी। गुलशन कुमार ने सलेम को हर महीने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया था। वहीं 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद पूरे देश में दंगे हो गए थे जिनमें मुंबई भी शामिल था। अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त के परिवार ने घायलों की मदद की। इसी दौरान सुनील दत्त की कार पर हमला हो गया। इसके बाद उनके पुत्र संजय दत्त ने निर्माता हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा से मदद मांगी। इस मांग के बाद अबू सलेम को संजय दत्त के घर सुरक्षा की दृष्टि से बंदूकें और हथगोले पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। उधर गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद तो अबू सलेम आए दिन अभिनेताओं और निर्माताओं को फोन कर अवैध वसूली करने लगा था। मोनिका बेदी के साथ उसकी दोस्ती निर्माता मुकेश दुग्गल के जरिए दुबई की एक पार्टी में हुई थी। इस निर्माता ने मोनिका को फिल्म सुरक्षा में काम करने का मौका दिया था। दुग्गल को सलेम का करीबी माना जाता था। इसके बाद तो यह रिश्ता कई सालों तक चलता चला गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अबू सलीम जनवरी 1993 में गुजरात के भरूच गया था। उसके साथ दाऊद गैंग का एक और सदस्य था। उसे हथियार विस्फोटक और गोला बारूद लाने के लिए भेजा गया था। सलीम को यहां 9 AK-56, 100 हैंड ग्रेनेड और गोलियां दी गईं। सलीम एक मारुति वैन के अंदर ये सामान छुपाकर मुंबई लाया था। वहीं मुंबई धमाकों से पहले दुबई में इन आरोपियों ने बैठक भी की। सलीम को हमले के लिए गुजरात से हथियार मुंबई लाने और बांटने की साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का दोषी पाया गया है।